साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर शहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, स्थित महावीर नगर की। चमनप्राश कैसे बनाते हैं, आज आपको चमनप्राश बनाने की पूरी विधि अपने साथ डॉक्टर पंकज विश्नोई है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है डॉक्टर पंकज विश्नोई, वो बताएंगे। तो आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखा लेता हूँ। इन्होंने 3 दिन बाद करीब 80 किलो चमनप्राश अपने घर के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए बनाई है। देख लो 80 किलो करीब चमनप्राश है और डॉक्टर पंकज विश्नोई है, वो पूरी आज विधि आपको बताएंगे। आप घर पे बना सकते हो चमनप्राश। तो साथियों एक बार तस्वीरें देख लो, उसके बाद अपन डॉक्टर पंकज विश्नोई से बात करेंगे। पंकज विश्नोई खुद यहाँ मौजूद है, पास में खड़े है और इनके जो स्टाफ है वो चमनप्राश बना रहे हैं। साथियों 3 दिन लगे, 3 दिन बाद आज 80 किलो चमनप्राश पूरी तैयार हुई है। तो एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो साथियों, फटाफट घर घर पहुंचा दो, ताकि कैसे बनानी है चमनप्राश और डॉक्टर पंकज विश्नोई अपने साथ है, वो बताएंगे। चलो अपन बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? डॉक्टर साहब आज करीब आप बता रहे हो 3 दिन लगे हैं 80 किलो चमनप्राश बनाने में, कैसे बनाते हैं, घर पे कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या डालना पड़ता है? सर इसमें सबसे पहले तो अपने आंवलों की जरूरत है। चमनप्राश का मुख्य घटक आंवला है। तो आचार्य चरक ने आज से 5000 साल पहले चमनप्राश बनाने की विधि बताई थी। उनके अनुसार जिस तरह बीमारियां बढ़ रही है, सर्दी खांसी जुकाम, इम्यूनिटी कम हो रही है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा है, उनके लिए उन्होंने चमनप्राश बताया कि आप अपने घर पे अपने बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन आंवले, अच्छी क्वालिटी के आंवले लाते हैं। उन आंवलों को एक दिन पानी में उबालते हैं कम से कम 2 से 3 घंटे, ताकि वो मुलायम हो जाए। मुलायम होने के बाद उनको रख देते हैं। अगले दिन वो आंवले जब मुलायम हो जाए तो उनके अंदर की गुठली को अपन अलग करते हैं। आंवले को छीलते हैं, गुठली अलग की और उस गुठली को अपन अलग से फेंक देते हैं, और जो आंवला जो अलग किया है उसको अपन पिष्टी बनाते हैं। उसका लेप अपन जैसे काजू कतली में काजू कैसे पीसते हैं, वैसे उसको एकदम बारीक सा उसकी पिष्टी बनाते हैं। पिष्टी बनाने के बाद अपन कढ़ाई के अंदर घी और तेल दोनों समान अनुपात में लेते हैं। तो घी तेल को अपन ने लिया, उसके अंदर आंवले की पिष्टी डाला और उसके अंदर अपन ने उसका पाक किया, जैसे अपन हलवा बनाते हैं उस तरह। ये कम से कम 4 से 8 घंटे इसमें लगता है। तो जिस तरह वो आंवले की पिष्टी पूर्णतः उसका पानी निकल जाए और वो पक जाए, पाक हो जाए, उस पाक के बाद अपन 10 मूल, पसन पड़नी, अड़नी, पाटला, गोखरू, अश्वगंधा, गंभारी, इस तरह की जो आयुर्वेद जड़ी बूटियां जो शास्त्रोक्त बताई है, 39 जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाते हैं। उस काढ़े के लिए जैसे 1 किलो अपन ने काढ़ा लिया, उसका 16 गुना पानी डालना है, चौथाई रह जाए वो इसी के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वापस इसे अपन पकाते हैं और पकाने के बाद फिर इसमें मिश्री मिलाते हैं। तो सामान्यतः जितना अपन आंवला लेते हैं, जैसे अगर अपन ने आंवले 5 किलो लिए हैं तो मिश्री लगभग 5 किलो ही अपने को लेनी है, या उससे थोड़ी सी कम 4.5 किलो लेनी है, और वो लास्ट में मिला के अब ये अंतिम स्टेज पे है। इसको इसके अंदर आप कह रहे हो ना घी का बघार देना पड़ता है, वो क्या करना है? उसमें सर घी और तिल्ली का तेल, 1 किलो घी लेना है और 1 किलो तिल्ली का तेल लेना है। शुरू में कैसे करना पड़ता है? शुरू में जैसे अपन ने आंवलों को उबाल के जब उनका गुठली अलग की, पिष्टी बना दी, फिर कढ़ाई के अंदर घी और तेल समान अनुपात में लेके और फिर अपन उन आंवलों की पिष्टी उसके अंदर सेकते हैं। सेकने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सेकने के बाद जब वो पूर्णतः पाक हो जाए, जैसे अपन घर पे कोई हलवा बनाते हैं कैसे उसका पाक हो, उसका कलर चेंज होता है, उस पिष्टी कलर हल्का सा लाल कलर होना स्टार्ट हो जाए, उस समय फिर उसको बंद करते हैं और फिर उसके अंदर अपन ये क्वाथ डालते हैं और क्वाथ को भी इसके अंदर पाक करते हैं 1-2 घंटे, फिर इसके अंदर अपन मिश्री का प्रयोग करते हैं। तो मिश्री के अनुपात में शास्त्रोक्त जो चरक ने अपनी संहिता में, आचार्य चरक ने बताई है, उस संहिता मिला के और अपन ये चमनप्राश का निर्माण करते हैं। मुख्यतः घर के लिए बनाते हैं, ताकि आजकल जो सर्दी खांसी जुकाम है, बार बार बच्चों में बीमार होना है, वैद्य की सलाह से आप इसका सेवन करें। पर्टिकुलर जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी हर आदमी को सर्दी के मौसम में चमनप्राश का सेवन करना चाहिए। ये कैसे खानी चाहिए? इसको सुबह सुबह खाना चाहिए साहब, सुबह सुबह पेट की अग्नि बहुत अच्छी रहती है, तो सुबह सुबह 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध से या गर्म पानी, यानी इसको खाने के बाद ऊपर थोड़ा सा गर्म दूध या थोड़ा सा गर्म पानी अपने को पीना चाहिए। तो सर और क्या काम आती है खाने में? सर सबसे बढ़िया इसके अंदर आंवला है, विटामिन सी अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, सर्दी खांसी जुकाम के लिए अच्छा है। दूसरा इसमें लास्ट में अपन प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हैं, जैसे इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, नाग केसर, वंश लोचन, ये श्वास रोगों में अच्छा काम करता है। जिनको दमा, अस्थमा, सर्दी खांसी जुकाम है, वो वैद्य की सलाह से चमनप्राश सेवन करें।
तो सर इसकी मतलब विधि कितनी लंबाई है, मतलब ये कम से कम 3 दिन लगता है सर, एक दिन आंवले उबालने में। नहीं नहीं जी, ये कितने मतलब इसकी डेट होती है ना, कितने साल खराब नहीं होता है ये सर? अच्छा पाक किया अगर च्यवनप्राश है तो कम से कम अपना 150-200 साल खराब नहीं होता सर। दो साल तक बिल्कुल कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, पूर्णतः ऑर्गेनिक है और पूर्णतः इसमें किसी तरह कोई भी अपन प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हैं। तो इसे मतलब बाहर रख सकते हैं फ्रिज में? हाँ नहीं, बाहर रखिए सर। हाँ, आप अपने जो भी स्टील का बर्तन है, कांच का बर्तन है, उनमें रखिए बाहर। तो सर अब कुछ लोगों को आप कहना चाहोगे जो बनाना चाह रहे हैं? मैं ये मेरा तो ये सबसे निवेदन है, घर पे बनाइए, अच्छी क्वालिटी बनेगा, अच्छी गुणवत्ता बनेगा, अच्छा रिजल्ट वाला बनेगा। एक अपन बाजार से लाते हैं उससे अच्छा घर बनाए। एक घर का हलवा होता है और एक बाजार का हलवा होता है, दोनों में जैसे फर्क होता है वैसे ही आजकल वैसे ही गूगल और मीडिया सोशल मीडिया आपके इर्द गिर्द जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनसे सलाह लीजिए और घर पे आयुर्वेद च्यवनप्राश को बनाइए। अभी ये पूरी तैयार है? जी अभी ये लास्ट चरण में है, अंतिम चरण में है। हाँ। और ये फिर ठंडा होने के बाद मैं मेरे घर के स्तर पे जो भी मेरे घरेलू लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनमें मुझे ये देना है। तो अभी ये एकदम पैक है, पूरा तैयार है? जी बिल्कुल, ये लास्ट दिन लगे सर? 3 दिन लगे सर इसमें, पूरे 3 दिन बिल्कुल सर, 3 दिन। साथियों ये डॉक्टर पंकज बिश्नोई है जो बाड़मेर राजकीय अस्पताल में आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यहाँ पोस्टेड है बाड़मेर हॉस्पिटल में। तो इन्होंने पूरी विधि बताई है कि च्यवनप्राश की कैसे बनाते हैं घर पे, 3 दिन लगते हैं, आप भी घर पे बना सकते हो। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के स्टाफ है, इनको 3 दिन लगे हैं बनाने में, करीब 70 से 80 किलो इन्होंने अपने, अब सर्दी आ रही है तो परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। छोटी सी मैं और चाहूंगा कालू जी, छोटी सी मात्रा में अपन एक दिन में बना सकते हैं। हाँ। जैसे अपन 1 किलो ही आंवला लिया या 2 किलो आंवले लिए तो अपन 4 से 6 घंटे बना सकते हैं। ये 60 किलो आंवले सर, 60 किलो आंवले सर। और शक्कर 60 किलो? नहीं शक्कर अपन नहीं, मिस्त्री मिलाते हैं इसमें। हाँ। लेकिन अपन इसमें सिर्फ 40 किलो ही बने हुई, कम मिला ये सर, थोड़ा उठ भी जाता है पानी का रेशियो वगैरह यूं कम हो जाता है। घी का और तिली का तेल? तिली का तेल 1.5 किलो सर, 1.5 किलो। हाँ। और किलो में कितना देना चाहिए? जैसे अपन किलो आंवला लेते हैं तो 1 किलो आंवला में अपने को 150 ग्राम घी, 150 ग्राम शक्कर और बाकी जो ड्रग्स है जो भी अपने आयुर्वेद जड़ी बूटियां है वो 50-50 ग्राम है। कौन कौन सी डालनी है एक बार? जड़ी बूटी जैसे अपन इसमें जो काढ़ा बनाते हैं उस काढ़े में अपन 10 मूल लेना है, 10 मूल के साथ अपन गंभारी लेना है, अश्वगंधा लेना है, गोखरू लेना है, पाटला लेना है, कंटकारी लेना है, ये सारी जड़ी बूटियां आजकल गूगल और आयुर्वेदिक ये पंसारी या जो भी आयुर्वेदिक दुकान है वहाँ मिल जाती है इजीली, बिल्कुल इजीली मिल जाती है। लास्ट में बनने के बाद इसमें शहद, वंशलोचन, इलायची, दालचीनी, पिपली इनका प्रक्षेप डालते हैं ताकि थोड़े इसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलकर और च्यवनप्राश तैयार हो जाता है। ठीक है डॉक्टर जी। तो साथियों ये डॉक्टर पंकज बिश्नोई, ये एक बार शेयर कर दो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा ताकि ये पोस्ट घर घर तक पहुंचने चाहिए। अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत माता।